अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं उर्दू मीडिया पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहम्मद हफीज के साथ नाइंसाफी कर रहा है। मोहम्मद हफीज के हक में सलीम मलिक खुलकर सामने आ गए। मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक को कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल न किए जाने पर सलीम मलिक पीसीबी पर बरस पड़े। आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह करेंगे, आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, साबिक कप्तान सलीम मलिक ने कौमी क्रिकेट टीम में तजर्बाकार खिलाड़ियों की अदम मौजूदगी के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। वो कहते हैं कि मोहम्मद हफीज अहम खिलाड़ी हैं और उनकी कारकर्दगी अच्छी होने के बावजूद उन्हें टीम में जगह न मिलना उनसे सरासर ज्यादती है। साबिक कप्तान ने मजीद कहा कि अक्सर देखने में आया है कि जब सीनियर का कैरियर खत्म होने वाला होता है तो उसे पहले ही टीम से फारिग कर दिया जाता है। हालांकि तजर्बाकार खिलाड़ियों की टीम में मौजूदगी अज हद जरूरी होती है। नाजरीन, मोहम्मद हफीज के अलावा शोएब मलिक को भी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनाया गया। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं कि सिर्फ सीनियर होना ही सिलेक्शन का मयार नहीं होता, कारकर्दगी और टीम की जरूरत को देखकर इंतखाब किया जाता है। मिडिल ऑर्डर में फिलहाल शोएब मलिक से बेहतर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड कप से कबल दिग्गर खिलाड़ियों को मौका देना लाजमी है। दोस्तों, आप कौमी क्रिकेट टीम की इंतजामिया के इन फैसलों से मुतालिक कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।